हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बर्गर की रेसिपी बनने जा रही है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत ही हेल्दी बना के दिखाएंगे। बच्चे तो पसंद करते ही हैं, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के सारे स्टेप को देखिए और आप भी अपने घर में जरूर बनाइए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कड़ाही रख लिया है। कड़ाही में हम 1 से 2 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, यानी कि 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। जीरा अपना चटक चुका है, इसपे हम डालेंगे 1 बड़ा साइज हमने प्याज लिया है। प्याज को हमें बारीक काटना है और तेल में हमें भूनना है, हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे अदरक और मिर्च, जिसे हमने कस लिया है। आप चाहे तो पेस्ट डालिए, लेकिन इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो हम 2 चम्मच डाल लिए हैं और इसे भी प्याज के साथ हम 1 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज अपना भून चुका है, गल भी गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे गाजर और बीन्स। गाजर बीन्स पकने में टाइम लगता है, तो पहले हम इसे डालेंगे, बाद में बाकी की सब्जियां भी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बीन्स और गाजर प्याज के साथ अच्छे से भून चुकी है, यानी कि पक भी चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे मटर। ये फ्रोजन मटर है और कुछ कैप्सिकम है जिसे हम काट लिए हैं, इसे भी हम डाल के और भून लेंगे। जब हमने कैप्सिकम और मटर डाल दिया, तो यहाँ पे हम मसाला भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर डाल देंगे। हरी मिर्च डाले हैं तो हम 1 ही चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे नमक, तो नमक हम यहाँ समझ के डालेंगे, क्योंकि इसमें हमें आलू भी ऐड करना है, तो उसी अंदाज से आप डालिए। फाइनली हमको टेस्ट करके ही बताएंगे कि कम है कि ज्यादा है। मसालों को हम भूनेंगे सब्जियों के साथ में। हमने मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से भून लिया है। आप कलर देखिए कितनी इसकी सुंदरता बढ़ गई है। अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए अमचूर पाउडर डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। कोताही नहीं करनी है मसाला बनाने में। आप देख सकते हैं सब्जियों की पानी सूख चुकी है, मसाला भून के अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता और उसे भी चला लेंगे। इसमें डालेंगे आलू। तो हमने आलू को बॉयल करके ठंडा करके छील लिया है और इसे मैश लिया है। ये सब होना जरूरी है, क्योंकि गरम आलू जब हम डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है। इसके लिए हमें आलू को उबाल के 3-4 घंटा ठंडा करके तब छीलना है, फिर इसमें डालना है। टिक्की अपना बढ़िया से बनता है। चलिए हम इसे 2-3 मिनट तक भून लेते हैं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख जाएगा। आलू को हमने मसाला में मिक्स कर लिया है। पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से मैशेंगे। ऐसे हम इसे अच्छे से मैश देंगे। इससे क्या होगा, अपना आलू टिक्की बनाने के लिए जो पेस्ट है स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब्जियों के साथ आलू को मैशर से अच्छे से मैश लिया है। तो ये अपने टिक्की के लिए पेस्ट तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी का दूसरा तैयारी कर लेते हैं। अपनी आलू ठंडी हो चुकी है, तो चलिए हम सबसे पहले मैदे का घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल बनाएंगे। ध्यान रहे, एक साथ में पानी डालने से लम्स पड़ जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने मैदे का एक पतला सा घोल बना दिया है, यानी कि ये ना ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारी
आलू टिक्की में ऑलरेडी मसाला में नमक पड़ चुकी है। मसाला को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो घोल की पहचान हम कैसे करेंगे? चम्मच में हम ऐसे घोल को लगा के और उलट देंगे, फिर अंगुली से हम ऐसे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मैदे का घोल चढ़ा है। यही घोल अपने टिक्की पे चढ़ाना है। तो चलिए हम आगे का काम शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स जो है आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड को टुकड़ों में तोड़ के मिक्सर जार में डाल दीजिए और उसे कढ़ाई में सेंक लीजिए। हम आलू में इसे मिक्स करेंगे। ये पैंडिंग का काम करेगा अपना। तो और जरूरत पड़ी तो हम और डालेंगे। अच्छे से मैश के आपको दिखाते हैं। हमने क्रम्स के साथ आलू को अच्छे से मैश लिया है। सब्जी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको टिक्की का शेप देते हैं। तो हम एक बड़ा सा गोला लेंगे और ऐसे पहले गोल करेंगे, फिर हम इसे ऐसे टिक्की बनाएंगे। तो अभी तो हम मोटा ही टिक्की रखेंगे। जब हम क्रम्स लगा लेंगे तो इसको जितना बड़ा बर्गर होगा उतना बड़ा शेप देंगे। तो सबसे पहले हम चलिए इसे घोल में डुबा के दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मैदे के घोल में इसे डुबा लेंगे। घोल को हम अच्छे से गिरने देंगे, इसमें ज्यादा घोल नहीं रहने देंगे। अब हम चलते हैं ब्रेड क्रम्स की तरफ। तो हम एक जगह अपनी टिक्की को रख देंगे और धीरे से इसे उलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी क्रम्स लिपट चुकी है। अगर कहीं आपको नहीं दिखता है तो चम्मच की मदद से ऐसे लिपटा दीजिए। दोनों हाथ हम यूज कर रहे हैं। देखिए अपना ब्रेड क्रम्स कैसे लिपटा है टिक्की में। ऐसे ही हम 4 टिक्कियां तैयार कर लेते हैं। बाद में आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बर्गर के लिए आलू टिक्की कितना बढ़िया तैयार किया है। इसकी खासियत है कि आप ऐसे बना के फ्रीजर में रख के 8 दिन तक छोड़ सकते हैं। जब कभी आपको बनाने का मन हो निकालिए, फ्राई कीजिए और फटाफट अपना बर्गर बन में सेट करके बच्चों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स ये फ्रोजन करने का सिस्टम है वो हमने बता दिया। अब हम यहाँ पे कौन सा बर्गर बन यूज कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट से बर्गर बन लाई हूँ और इसको काट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जितना बड़ा हमारा बर्गर बन है उतना ही बड़ा हम टिक्की बना रहे हैं। उससे थोड़ा छोटा ही है तो वो देखने में अच्छा लगेगा। चलिए हम फ्राई करेंगे और बाद में बर्गर बन काट लेंगे। हमने टिक्की बना के कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख लिया है। अब हम सावधानी से एक टिक्की उठाएंगे और तेल में छोड़ेंगे। तो ध्यान रहे टिक्की बनाने के लिए हमारी तेल अच्छी खासी गरम होनी चाहिए। टिक्की डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक उसे छूना नहीं है, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। 2 मिनट तक होने के बाद हम आपको फ्लिप करके दिखाएंगे। 2 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। आपको मार्केट से बिल्कुल कम लग रहा है अपना बर्गर का टिक्के। इसे हम उलट के और क्रिस्पी कर लेंगे। हमने दोनों साइड से 2-2 मिनट तक अपनी टिक्की को सेक रखा है। आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कड़ाड़ेदार तैयार हुई है। एक्स्ट्रा तेल हम गिरा लेते हैं। आपको दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी अपनी टिक्की तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स एक बार आप सुन लीजिए, खिला तो नहीं सकती पर सुन लीजिए कितना क्रिस्पी कड़ाड़ेदार अपनी बर्गर के लिए टिक्की तैयार हुई है। देखने में प्यारा है और खाने में तो बहुत जबरदस्त है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम बर्गर को काट लेते हैं। तो आप देखिए एक लाइनिंग रहता है, इसी पे हम नाइफ रखेंगे और ऐसे ऐसे काटेंगे। बहुत आसानी से कट जाता है। ऐसे हम 2 हिस्सों में अपना बर्गर काट लेंगे। अब हम एक हिस्से में, ये नीचे वाले हिस्से में मेयोनीज लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ढेर सारा मेयोनीज लेंगे और ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद है। हमने चारों तरफ मेयोनीज को फैला लिया। अब इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा कैबेज की पत्ती यानी कि पत्ता गोभी।
यहाँ पे जो अमेरिकन पत्ता यूज होता है गोभी का वो तो है नहीं, पर कैबेज भी चलता है, तो हम इसको ऐसे डाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी टिक्की रखेंगे, तो ये कड़ाड़ेदार अपनी टिक्की रखी गई यहाँ पे। इसके ऊपर से हम रखेंगे चीज का स्लाइस जो हम मार्केट से लाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। इसके ऊपर हम रखेंगे एक काकड़ी कोने कोने पे, उसके बाद हम रखेंगे टमाटर। बच्चों को सलाद खिलाना बहुत जरूरी है तो इस बहाने वो लोग खा लेते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ओनियन रिंग्स, ध्यान रहे यहाँ पे आपको ओनियन नहीं रखना है, ओनियन रिंग रखिए, अच्छे से ये सेट हो जाता है। तो ये फाइनली अपनी बर्गर की सजावट हो गई। अब हम यहाँ पे लिए हैं थोड़ा सा हरा चटनी और इसमें डालेंगे मेयोनीज, से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है अपना चटनी के साथ मेयोनीज, इसको हम टॉप वाले बर्गर पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने भरपूर मात्रा में लिया है मेयोनीज और इसको हम इसके ऊपर ऐसे आराम से उलट देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना मार्केट जैसा अपना बर्गर तैयार हुआ है। कोई डाउट है इसमें कि रेस्टोरेंट से कम लग रहा है अपना बर्गर? तो फ्रेंड्स आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।